हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही हेल्दी गुड़ पाक की रेसिपी। तो चलिए बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। तो बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा कप हमने किशमिश ले लिए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है किशमिश है जो, तो इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। और यह हमने ले लिया आधा कप हमने अंजीर ले लिए हैं। तो अंजीर भी हमारी बॉडी के लिए सर्दी में बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं, ये गर्माहट देने वाली चीज़ें हैं ये। तो इसको हमने 2 घंटे के लिए इसको पानी गर्म पानी में डाल के रख देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे इस तरीके से भिगो के रख देंगे। तो और जो भी इसका पानी है जो बिल्कुल फेंक देंगे, तो देख सकते हैं 2 घंटे हो चुके, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हमारे अंजीर और किशमिश है जो। तो इसका जो पानी है जो उसको हम निकाल लेंगे, बिल्कुल अच्छे से साफ रख लेंगे, साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके पानी में अंजीर में भी बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। और किशमिश का भी जो भी पानी है उसको भी हम अलग कर देंगे। दोनों को एक बर्तन में निकाल के और एक मिक्सी का जार ले लिए हैं। और ये हमने ले लिया है पिंड खजूर ले लिए। तो आज हम बिना चीनी बिना गुड़ से ये मिठाई बना रहे हैं, बहुत ही हेल्दी शुगर फ्री मिठाई बनेगी ये। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इसको डाल के अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। और 1.5 कप हमने ये लिए हमने पिंड खजूर लिए हैं, मीठी वाली जो खजूर आती है जो, आप इसकी जगह ड्राई खजूर भी ले सकते हैं। तो देख सकते हैं मिक्स हमारा अच्छे से पीस के तैयार हो चुका है। इसका हल्का दरदराई बैटर को रखेंगे, पेस्ट को ज़्यादा बारीक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है उसको। तो ये हमने एक कढ़ाई ले ली, इसमें डाल देंगे घी। तो ये हमने इसमें घी की 2 चम्मच घी की ले लिए हैं। इसको हम मेल्ट होने तक अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और घी को मेल्ट होने के बाद में इसमें हमने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम पिस्ता को हमने बारीक कट करके ले लिए हैं, देख सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स आपके पसंद के अनुसार और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यह हमने 3 चम्मच हमने ले लिए नारियल को ग्रेट करके, और हमने ग्रेट करा हुआ नारियल को 3 चम्मच भर के इसमें डाल दिए। आप इसकी जगह नारियल बूरा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच हमने खसखस ले लिए हैं, 3 चम्मच हमने ले लिए खरबूजा के बीज ले लिए हैं। तो सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है नट्स है जो, नट्स आप इसको ज़रूर खाना चाहिए। तो हमारी बॉडी में बहुत ही अच्छी गर्माहट भी आती है, ताकत भी देते हैं ये। और ये हमने 1 चम्मच ले लिया है गोंद को बारीक पीस के ले लिए हैं। तो ये सफ़ेद वाला गोंद लिए हैं ये, जो हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि हमारे जोड़ों में दर्द या घुटनों में दर्द कहीं पे भी कमर दर्द रहती है, तो उसके लिए रामबाण इलाज होता है इसका गोंद का। तो सर्दी में आप ज़रूर भी गोंद को खाना चाहिए, किसी भी किसी प्रकार से आप बना के और इसको रेसिपी में डालना ही चाहिए। तो ये देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, देख सकते हैं। ज़्यादा हमारे को इसको कलर चेंज नहीं करना। तो एक बर्तन में हमने निकाल लिया, ये हमने ले लिए 1 कप मखाने ले लिए, फूल मखाने। तो ये देख सकते हैं फूल मखाने को भी हम इसी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। आपको इसको घी में रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छे से वैसे ही क्रिस्पी हो जाते हैं आप ड्राई रोस्ट करोगे तो भी। तो फूल मखाने भी हमने निकाल के एक बर्तन में रख लिए हैं, और उसी कढ़ाई को हमने दोबारा से ले लिए हैं। तो इसमें 1 चम्मच हमने घी की डाल दिए हैं, देख सकते हैं। और जो हमने ये पिंड खजूर को और इसको हमने जो अंजीर को और ये किशमिश को सभी को पीस के तैयार किया था, इसका मिक्स बना के तैयार किए हैं दरदरा। तो अब इसको हम इसमें डाल के अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे घी में। और अगर आपके जो नहीं पीस पाए तो आप इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के भी पीस सकते हैं कि आपकी मिक्सी में बिल्कुल आसानी से पीस जाए। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको भून लेते हैं घी में, देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो ये देखिए भून चुका है। और जो हमने ये मखाने लिए थे उसको हमने थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी डाल देते हैं, सभी को मिक्स करके। और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस तरीके से मिक्स करने के बाद में आपको चलाते हुए इसको पका लेना है। और यह आप इसको बना के रिस्टोर करके आपके बच्चे बड़े सभी को खिला सकते हैं। आप इसको सुबह शाम दूध के साथ में लोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके खुद को आपको समझ में आएगा, आपकी बॉडी में एहसास इसका कि कितना ज़्यादा फायदा करते हैं ये। तो यह हमारा अंजीर ड्राई फ्रूट्स पाक हमारा बनके तैयार हो चुका है, देख सकते हैं इस तरीके से हमने पका लिया है।
ये बच्चों के दिमाग को भी बहुत ही तेज़ करेंगे। अगर बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो इसको आप बना के दोगे तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में मन भी लगेगा, बिल्कुल अच्छे से तेज़ दिमाग हो जाएगा, उनकी मेमोरी भी बहुत ही अच्छी तेज़ हो जाएगी। और लास्ट में डाल देंगे एक चम्मच सौंठ का पाउडर ले लिए हैं। जो भी बच्चे अगर आपके पढ़ते नहीं है या दिमाग नहीं चलता है उनका, तो आप इसको बना के ज़रूर खिलाएं। ये हमने एक ट्रे को ले लिए हैं, इसमें घी से अच्छे से चिकना कर लिए हैं और अब इस मिक्स को हमने ट्रे में डाल के अच्छे से सेट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं अच्छे से सेट हो चुका है। इसके ऊपर थोड़े से हमने पिस्ता से गार्निशिंग कर देंगे। और इसको आपको आधा एक घंटे के लिए सेट करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने में। तो देखिए आधा एक घंटा हो चुका है हमारे को, डेढ़ घंटा हो चुका है टोटल। तो ये देखिए कट आराम से इसको कट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये हमारे पाक है जो। तो आप इसको मनचाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट रहा है। आप इसकी जगह पिज़्ज़ा कटर से भी कट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स है तो आपको थोड़ा सा काटने में इसका शेप थोड़ा वो हो जाता है, इसमें अच्छे से शेप नहीं आता है। अगर आप पिज़्ज़ा कटर से कट करोगे तो बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आएगी इसमें कटने में। तो ये देखिए हमारी कट की तैयार हो चुकी है। तो यह हमारा अंजीर ड्राई फ्रूट्स पाक बनके तैयार हो चुका है, हमने बिल्कुल अच्छे से कट कर लिए। तो हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।